मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। अब हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं शपथ ग्रहण समारोह की। सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री ने शपथ ली। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में ये पहला मौका है जब कोई उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इससे पहले चाहे बीजेपी की सरकार बनी हो या फिर कांग्रेस की सरकार बनी हो, कभी ऐसा मौका नहीं आया या कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई कि किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाए या फिर उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।